आज का हमारा जो पार्ट होगा बिगनर लेवल के लिए, हमारे जो तीन एक्सरसाइज में आपको ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज लेके चलेंगे और थाइस का वार्म अप के साथ सिर्फ एक ही एक्सरसाइज लेके चलेंगे। एक्सरसाइज काफी है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वार्म अप के तौर पर मैं थाइस का लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि पेन ना हो। स्टार्ट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज पुली पुश डाउन। और आप एक बात का ध्यान रखना, आर्म्स यूज नहीं होगा, सिर्फ फोरआर्म पे डिपेंड रहेगा आपने। रोड आपकी लोअर चेस्ट के लेवल तक आएगी, ठीक है, नीचे फोल्ड करेंगे, एक दो तीन, रोड सिर्फ लोअर चेस्ट के लेवल तक आएगी। शाबाश, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमारी अगली एक्सरसाइज है सिंगल हैंड डंबल। इसमें भी आपने दो से तीन सेट क्लियर करने हैं, जिसमें कि हमारे 10 सेट क्लियर रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ये सिर्फ हमने आपको एक डेमो दिया है, इसका आपने रेपिटेशन जो है 10-10 रैप निकालने हैं और दो से तीन सेट रहेंगे। ये लाइट वेट की थोड़ी एक्सरसाइज है, हैवी वेट आपने यूज नहीं करना। इसके बाद हम आपका थाई का एक वार्म अप लेके चलेंगे और हम किसी एक्सरसाइज लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आ गए थाई के वार्म अप पे। इसके बाद थाई के वार्म अप के आपने दो से तीन सेट लेने, नैरो फ्री स्क्वाट रहेगा विदाउट वेट। इसमें आपने तीन सेट क्लियर करने, इसमें रेपिटेशन आप करेंगे 12-15 रैप। चलिए स्टार्ट। अगली एक्सरसाइज हमारी रहेगी थाइस पे लेग एक्सटेंशन कर्ल। इसमें हमने दो से तीन सेट क्लियर करने, जिसमें कि लाइट वेट एक्सरसाइज है, हैवी वेट आपने अभी फिलहाल स्टार्टिंग में यूज नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि थाइस की एक्सरसाइज काफी है, स्क्वाट है, लेग प्रेस है, काफ है, लेग कर्ल है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि स्टार्टिंग में बिगिनर अगर बच्चा है तो फ्री स्क्वाट क्लियर करने के बाद सिर्फ लेग एक्सटेंशन का ही एक वार्म अप लेके चले तो अच्छा है। लेकिन जो हमारी अगली सीरीज होगी, मैं आपको उसमें सिंगल पार्ट के अंदर ये बताऊंगा कि भाई किस तरीके से कौन कौन सी एक्सरसाइज आपने लेके चलनी है। वेट ट्रेनिंग उसमें हम आपको बताएंगे कैसे लेके चलना।